कोरियोग्राफी में आप में जो अच्छा लगता है ना, आप म्यूजिक के साथ खेलते हो, ऐसा लगता है कि आप चल रहे हो और म्यूजिक आपके साथ चल रहा है। होता क्या है, म्यूजिक के साथ हम चलते हैं, पर जब आप परफॉर्म करते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हो। तो ये बहुत बड़ी एक बात होती है बेटा, एक गुड परफॉर्मर में ये क्वालिटीज होती है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, दिस परफॉर्मेंस इज दिल से परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम। सो जल्दी से आइए और अपना मेडल लेके जाइए। थैंक यू मैम सो मच। अमित सर, सो गाइज अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से जजेस को इम्प्रेस कर चुके पीयूष हमारे साथ हैं, जिनके गले में आप देख सकते हैं कि अल्टीमेट मेडल भी है। दैट मींस ये टॉप 25 में सेलेक्ट हो चुके हैं। सो लेट्स टॉक टू पीयूष एंड जानते हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल क्या है, मेडल जीतने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बस पूछ नहीं सकते, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना, बस मैं बता नहीं सकता, जाहिर नहीं कर सकता। अगर शो जीत गए क्या रिएक्शन होगा? सर वो तो जीत गया तो बाबा आप भी देखोगे कैसा रिएक्शन होगा मेरा। मैं बता नहीं सकता। ओके, एज अ डांसर ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आपको लगती हैं कि बहुत जरूरी है एक डांसर में होना? एक तो एक्सप्रेशंस होना चाहिए, और एनर्जी जरूर होनी चाहिए, और आई कांटेक्ट मिलाना चाहिए जजेस से, और हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से पहले कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, यानी कि डरे डरे कॉन्फिडेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे। नेक्स्ट पड़ाव टॉप 14 का क्या लग रहा है, हाँ या ना? सर वो जजेस के ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोल, मैं तो अपना 100% दूंगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। अब मैं ये नहीं बता सकता मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड जरूर आप सेलेक्ट हो। थैंक यू।